आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है देवरिया के भलवनी से। 2 अक्टूबर 2022 रविवार को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती शांति सद्भावना मंच से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने टेकुआ क्षेत्र के विद्यालयों में ध्वजारोहण कर व उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर छात्र छात्राओं के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयंती के अवसर पर छात्र छात्राओं के साथ निबंध लेखन, चार्ट लेखन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दोनों महापुरुषों के आकृतियों को उकेरने में श्री गणेश दत्त मिश्र पूर्व माध्यमिक विद्यालय श्री राम सनेही जूनियर हाई स्कूल और शांति निकेतन इंटर कॉलेज टेकुआ के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मंच के राज्य समन्वयक रामकिशोर चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों महापुरुषों के आदर्शों को मानते हुए लोगों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है, जिससे देश में आपसी एकता, भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत, बंधुत्व, न्याय पर आधारित समता मूलक समाज निर्माण को मजबूती प्रदान किया जा सके। कार्यक्रमों में रमेश मिश्रा, शिवचंद चौहान, रविन्द्र कुमार पाठक, विशाल दयालु, भीम कुमार, ओम प्रकाश पाठक, माया मिश्रा, अनुभव मिश्रा, शिवानंद चौहान, शत्रुघ्न, राजेश, राजन, सीमा सहित आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए पवन पांडे की खास रिपोर्ट। गांधी जी हमारे ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने हमको एक ऐसा भारत दिया जिसमें हम चैन की सांस लेते हैं और उनके पदचिन्हों पर चलते हैं तो हमें शांति मिलती है। गांधी जी कहते थे कि कोई एक गाल पर एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी उसे दे दो, और राम राज की कल्पना गांधी जी ने किया था कि भारत में राम राज स्थापित हो, सब लोग खुशहाल रहें। गांधी जी की सोच, गांधी जी का विचार हम लोग अपनावें और उससे हम लोग लाभान्वित हों। यह बातें हम लोग गांधी जयंती पर बच्चों को बताए हैं और बच्चे भी उसका अनुकरण करें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। यही गांधी जी के चरणों में आज गांधी जयंती का श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा अंजलि होगी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हम लोग श्री राम सनेही जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय में मनाया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और गांधी जी पर और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन आदर्श पर हम लोगों ने बच्चों के बीच मन बात को रखा, और जिसमें बच्चे और छात्र छात्राओं ने सभी ने किया ये आश्वासन दिया कि हम लोग इनके आदर्श को चलेंगे, जिससे देश में एकता, बंधुत्व और भाईचारा कायम रहे। और देश में जिस तरह गांधी जी ने अहिंसक रूप में देश को आज़ादी दिलवाए, उसको लेकर के आज देश गौरवान्वित है। आज का दिन है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा में जो गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है, ये गांधी जी की देन है और लाल बहादुर शास्त्री की देन है कि भारत में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के रहने वाले लोग हैं, जिसमें साझा संस्कृति, साझा विरासत को गंगा जमुनी तरजीह के रूप में देखने को मिल रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।